Alright, so hi everyone, this is yours Pratik Parmar signing in. Welcome back to the channel. अभी बजे है शाम को सात, आज है सैटरडे, तो संडे मंडे मेरी छुट्टी है, सो वीकेंड आज से मेरा स्टार्ट होगा. और अभी जस्ट मैं घर पे आया, आप लोगों को पता ही होगा कल मैंने स्नो क्लीन कर दिया था बालकनी से. ये मेरे पीछे को बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है. व्यू देखने को मिलता है यहाँ पे. तो अभी फिलहाल हम लोग खाना कुछ बनाएंगे, अभी कुछ बनाया नहीं है, सो कुछ अच्छा सा बनाएंगे. अच्छा सा मतलब मैं ही बनाने वाला हूँ अभी. कुछ अच्छा खाने में मजा आए ऐसा कुछ बनाता हूँ. सो फिलहाल खाने से पहले हम लोग आज बाहर मौसम अच्छा था, गैलरी में थोड़े टाइम खड़े रहे तो ऐसा कॉफी पीने का मन हो गया. ये हेजलनट कॉफी है नेस्कैफे की. ये मैं उठा के लाया था उस दिन जब गया था मैं, $80 वाला जो बिल बना था उस टाइम पे उठा के लाया था. सो ये हम लोग टेस्ट करने लगे हैं. अभी मैं बनाता हूँ कॉफी. सो सबसे पहले ये 2 स्पून में कॉफी की इसमें डालता हूँ. 2 स्पून डालने के बाद ये शुगर 1 टीस्पून, क्योंकि हम लोग ज्यादा शुगर नहीं खाते, सो 1 टीस्पून. थोड़ा सा पानी, इतना सा. फिर इसको बंद करेंगे और अच्छे से सेक गार्निशिंग करते हैं. वैसा मैं मिल्क तो ऊपर से डालने गया लेकिन हुआ नहीं, बट कॉफ़ी मज़ेदार बनी है. परफेक्ट मिक्सचर है हेजलनट एंड कॉफ़ी का. कॉफ़ी का भी बैलेंस टेस्ट आ रहा है और हेजलनट का भी थोड़ा सा माइल्ड टेस्ट है, लेकिन कॉफ़ी का बढ़िया टेस्ट आ रहा है. सो इट्स रियली गुड. और हेजलनट की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है. कॉफ़ी के साथ क्रॉसन और ब्रेड स्टिक, उसके बाद कुछ खाना पकाएंगे. खाना पकाने के बाद खाएंगे. तो अभी मैं नहा धो के पूजा उजा करके रेडी हूँ खाना खाने के लिए. आज हमने बनाया है, ये देखो अभी बन रहा है. सो फ्रेंच फ्राइज हम लोग बना रहे हैं. 450 फ़ारेनहाइट पे ओवन में 15 मिनट के लिए रखना था, वो हमने रख दिया. और बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छी, लाइक कहीं पे भी नहीं मिलती ऐसी वैसी फ्रेंच फ्राइज बनी है. और खाने में बहुत ही मजा आने वाला है. अभी 30 सेकंड्स बाकी है खाली, 30 सेकंड्स हो जाने दो, फिर उसके बाद टूट पड़ेंगे और सारी फ्रेंच फ्राइज खा जाएंगे. और आज सैटरडे है सो जिंजर एले एक तो बनता है, वीक में एक बार पी सकते हैं, वीक में एक बार चलता है. सो ये स्टोरेज में भी लाइट थी, वो पता ही नहीं थी ये ऊपर, ये अभी जाके पता चली है. सो है तो ऑन कर लेते हैं, है तो फिर यूज कर लेते. सो देखो अभी इतने सारे बचे हैं. सो एक निकाल लेते हैं और इसको रखते हैं. तो ये है आलू जो हम लेके आए थे, और ये है उसकी फ्रेंच फ्राइज जो हमने आज बनाई है. 10 केजी आलू लाने पे गाली तो बहुत पड़ी थी, लेकिन देखा फ्रेंच फ्राइज बना दी हमने. मजाक कर रहा हूँ, ये फ्रेंच फ्राइज हम लोग सामने से लेके आए. ये पैकेट है पूरा 1 केजी का, $3 या $4 का था. सो उठा लाए थे हम लोग, मन करे तो खा सके बना के घर में हो तो. तो फ्रेंच फ्राइज हमने खाई, बहुत ही अच्छी है. टेस्ट वाइज अगर आपको लाना है तो नो नेम की है, हम सबको नो नेम का ही लाते हैं, क्योंकि किसी की ब्रांड का प्रमोशन करना इज नॉट गुड. सो नो नेम का लाओ, नो नेम भी एक ब्रांड ही है, क्या बोल रहा हूँ मैं. तो आपको जो पसंद आए वो लाओ.
लेकिन मुझे जो पसंद आया वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। सो अगर आपको टेस्ट करना हो तो आप कनाडा में आ रहे हो तो टेस्ट करके खा सकते हो। और आप लोगों को पता है मैं मुझे भी आए यहाँ पे एक दो महीने ही हुए हैं, सो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ अभी, और जो मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जैसे जैसे मुझे आइडिया लगेगा कि इससे अच्छा कोई और मुझे मिलेगा तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा कि ये मत खाओ इससे अच्छा ये है। तो वो भी आप सबके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, किसी को वो अच्छा लगता है किसी को ये अच्छा लगता है। सो ठीक है, अभी मैं इधर उधर की बातें छोड़ते हैं, खाने पे फोकस करते हैं। अभी मैं खा लेता हूँ फटाफट से। अभी टेम्परेचर हो रहा है 0 डिग्री के अराउंड, कल भी ऐसा ही है, प्लस में रहने वाला है टेम्परेचर 4 दिन तक, आज से प्लस में टेम्परेचर है। कल हम लोग नो क्लीन करने का सोच रहे हैं, वो कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो दिस इज योर होस्ट प्रतीक परमार साइनिंग ऑफ। खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, साथ रहे, और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।